बोका शिकारी हरिण टे देखा को बड़ सुंदर थिला से हरिण जी सुंदर थिला ताठु अधिक सुंदर आ मजबूत थिला तार सिंग आउ ताठु अधिक तीक्ष्ण थिला तार बुद्धि बनरे एमती एक हरिण को खाइबापी समस्त प्राणी भितर इच्छा रही थिला बाघ भालु सिंह एम समस्ते हरिण को खाइबे बोली चेष्टा करुथिले हेले हरिण तार तीक्ष्ण बुद्धि जोगु सबुबेले सतर्क रहुथिला आउ केबे हेले से काहा हात मुठा को आसुनथिला दिने बाघर सिंह सहित बणरे देखा हला महाराज आपण इयाडे कोरे जाउछंती मंत्रीवर मु भ्रमण रे आसीछि अच्छा मंत्रीवर गोटिए कथा कहिल से सुंदर हरिण को तो मुझिकाली कौटी आ देखा को पाऊनी महाराज आपण भी अरे तार जहाँ चेहरा ना देखिले मोर कौन तमर भी लोभ हब ता ठीक खोज खोज ताकू खोज जदि से मिल जाए ताकू धरवा को चेष्टा कर हेले गोटे कथा मन रख एका खाइदबनी बण भितर थिला गोटे छोट पहाड़ पहाड़ तले थिला गोटे कोली गछ से कोली गछर कोली थिला बहुत मीठा सेथिपाई हरिण सबुदिने सेठिके कोली खाइबाकु जाउथिला बाघ किंबा सिंह एक थर टेर पाई नथिले दिने गोटे शिकारी पहाड़ तले थिबा से कोली गछ पाखकु आसिला आउ जोगकु ठीक से समय रे हरिण से गछ पाखकु कोली खाइबाकु आसिथिला शिकारी ताकू देखिला ताकू देखिबा परे शिकारीर बहुत लोभ हला केते सुंदर हरिणटे हेछि याकु नै महाराज को भेटी देले बहुत धन मिलिबो हरिणर कान थिला खूब तीक्ष्ण ता आखि भी थिला आहुरि तीक्ष्ण से जानि परिला जे एठी केहि जने लुचि रहिछि सेथिपाई से सेठु चली गला शिकारी आखि मुते खोलिला बेळकु सेठी आउ हरिण नथिला शिकारी जानिपारिला जे हरिणटी बड़ चंचल सेथिपाई से हरिण को धरिबा पई प्रतिदिन कोली गछ पाखकु आसुथिला कोली गछ पाखरे थिबा गछ पछपटे लुचिकि रहुथिला हेले हरिण दुई तीन दिन धरे आउ कोली खाइबाकु आसिलानि शिकारी किंतु ता चेष्टा जारी रखि थाए हरिण आउ आसुनि काहिंकि से कोन तरकी गला सेदिन शिकारी सीधा आसी कोली गछ उपरे बसि पड़िला आउ हरिण को अपेक्षा कला हरिण जेहेतु शिकारी को सेदिन देखिथिला तेणु से निश्चित हो जाइथिला जे शिकारी लगातार दुई तीन दिन पई कोली गछ पाखकु निश्चय आसिब सेथिपाई से आसिबा बंद कर देइथिला दुई तीन दिन गड़िजिबा परे हरिण पुणी कोली खाइबा पई आसिला से आसिबा मात्रे गछरे बसिथिबा शिकारी ताकु देखिनला जाहो एते दिन परे आसीछि आजि आसीछि माने ताकु मु छाड़िबिनि हरिण कोली गछ पाखकु आसिबा बेले प्रथमे इयाडे सियाडे चाहिला
ତାପରେ ଦେଖିଲା କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ତଳେ ଗୋଟେ ବି କୋଳି ପଡ଼ିନି। ସେ ଗଛ ତଳକୁ ହଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି କୋଳି ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ହରିଣର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କୋଳି କେମିତି ପଡ଼ିଲା। ଏଥର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଯାଇପାରେ। ଆରେ କଣ ଏତେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପାଖକୁ ଆ, ଆ ପାଖକୁ। ଗଛ ଭାଇ, ତମେ ତ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଆସିବ ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖି ଦୁଇପଦ କଥା ହୁଅ, ହେଲେ ଆଜି କାଇଁ କିଛି କହୁନ। ଏଥର ଶିକାରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ସତରେ ଗଛ ବୋଧେ ହରିଣକୁ ଦେଖି କିଛି ଗୋଟେ କହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ହରିଣକୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲେ କିଛି କହିନଥିଲି, ଆସୁନୁ ପାଖକୁ, ଆ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ କୋଳି ତଳେ ପକେଇଛି। ଏଥର ହରିଣ ବୁଝିଗଲା ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ, ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ବଣ ଭିତରକୁ। ବିଚରା ଶିକାରୀ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ହରିଣକୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି, ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଥିବା ଶିକାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ମୂର୍ଖାମି କଲି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହରିଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ମୁଁ ହାର ମାନିଗଲି। ଦେଖ